तो स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग पंकज तिवारी और पारसनाथ सर का LSW ऑप्शनल का क्लास नोट्स देखेंगे। झारखंड CDPO 2024 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। साथ ही साथ बुक्स भी अवेलेबल है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बुक्स में आप देख सकते हो इंग्लिश मीडियम में दो पार्ट में आती है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड ट्रेड यूनियनिज्म, और दूसरी बुक की बात करें तो लेबर एंड सोशल लॉज। वही हिंदी मीडियम में बात करें तो औद्योगिक संबंध, श्रम संघवाद एवं सामाजिक समस्या और भारतीय श्रम कानून। तो ये आपकी इंग्लिश हिंदी में बुक्स आती है पंकज तिवारी सर की, जिसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। और आइए आज हम लोग क्लास नोट्स देखेंगे पंकज सर और पारस सर दोनों का। तो सबसे पहले ये इंग्लिश मीडियम में पारसनाथ सर का क्लास नोट्स देखते हैं। ये आपको तीन बुकलेट में इंग्लिश मीडियम में क्लास नोट्स आता है, जिसमें आप रेडेबिलिटी देख सकते हो, हैंड राइटिंग देख सकते हो, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की ये बुकलेट है, और क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में आपको पूरा क्लास नोट्स मिलेगा, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एंड यू कैन सी द हैंड राइटिंग दैट इज ऑलमोस्ट क्रिस्टल क्लियर हैंड राइटिंग। एंड अलॉन्ग विद डैट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके से पूरे नोट्स को डिजाइन एंड डेवलप किया गया है, पूरे टॉपिक्स, पूरे सब टॉपिक्स को किस तरीके से कवर अप किया गया है। तो ये बुकलेट नंबर वन था, जिसके अंदर मैं आपने देखा लेबर लॉ लेजिस्लेशन का ये बुकलेट था, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशंस का ये बुक था, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड ट्रेड यूनियनिज्म का ये बुकलेट नंबर वन। बुकलेट नंबर टू की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो इसमें टेबल ऑफ कंटेंट आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि इसमें आपको इक्वल रिनोमेशन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक टेबल ऑफ कॉन्टेंट को भी गो थ्रू कर सकते हो। उसके अलावा बात किया जाए तो ये आपको पूरा क्वेश्चन ऐसा फॉर्मेट में नोट्स डिजाइन एंड डेवलप्ड होगा। इसमें आपको इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन पार्ट किस तरीके से लिखना वो आपको बताया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इक्वल रिनोमेशन एक्ट 1976, डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ इक्वल रिनोमेशन एक्ट 1976। तो ये सारा आपको क्वेश्चन ऐसा फॉर्मेट में पूरा नोट्स मिलेगा। नोट्स के पेजेस को आप देख सकते हो कितना पेजेस इसमें एडेड है, नोट्स की मोटाई को देख सकते हो। अक्सर लोगों का ये भी रहता है, कमेंट रहता है कि कितने नंबर ऑफ पेजेस है वो भी बताइए। तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिखा दिया गया, सब कुछ बता दिया गया, क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में पूरा नोट्स है, और कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब टॉपिक्स कवर्ड है वो भी हमने आपको पहले बता दिया। हैंड राइटिंग आप देख सकते हो, बुकलेट नंबर थ्री है इंग्लिश मीडियम में, इसमें बात किया जाए तो आपको ये सारे टेबल ऑफ कंटेंट मिलेंगे, सोशल सिक्योरिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन वेलफेयर, है ना, शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्रेड वेलफेयर, अल्कोहलिज्म, बेगरी, प्रोस्टिट्यूशन। और इसमें आप क्वेश्चंस देख सकते हो, व्हाट डू मीन बाय सोशल सिक्योरिटी, व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल सिक्योरिटी, और सभी का आपको आंसर इसमें प्रॉपर आंसर राइटिंग फॉर्मेट में मिलेगा। और जो भी सिलेबस आपको हम लोगों ने स्टार्टिंग में टेबल ऑफ कंटेंट में दिखाया वो पूरा इस बुकलेट के अंदर में कवर्ड होगा आंसर राइटिंग फॉर्मेट में। हैंड राइटिंग और रीडेबिलिटी भी आप देख सकते हो, ये डॉक्टर पारसनाथ सर की बुकलेट इंग्लिश मीडियम में, इसमें भी आप नोट्स की मोटाई देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम में बात करें तो बुकलेट आपको मिलता है, वहीं अगर बात करें हिंदी मीडियम में तो आपको चार बुकलेट्स मिलता है। तो हिंदी मीडियम पारसनाथ सर का क्लास नोट्स, इसमें आप देख सकते हो ये सारा टेबल ऑफ कंटेंट आपको कवर्ड होगा। ये बिहार झारखंड दोनों के परिप्रेक्ष्य में नोट्स डिजाइन एंड डेवलप्ड है, क्योंकि BPSC CDPO और JPSC CDPO दोनों का सिलेबस लगभग कवर्ड है, लगभग सिमिलर है, लगभग नहीं पूरा सिमिलर है, और पूरा दोनों का जो सिलेबस है, जैसे जो पूछा जाता है जो दो पेपर्स है, जैसे भारतीय श्रम कानून और औद्योगिक संबंध, उसका ये पूरा क्लास नोट्स है। इसमें आप देख सकते हो, हम लोगों ने बुक्स भी आपको बताया स्टार्टिंग में ही, बुक्स को भी आप ऑर्डर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक है। और ये देख सकते हो आप किस तरीके से क्वेश्चन ऐसा फॉर्मेट में पूरा नोट्स डिजाइन एंड डेवलप्ड है, और राइटिंग और रीडेबिलिटी वगैरह भी आप देख सकते हो नोट्स किस तरीके से, हैंड राइटिंग, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब टॉपिक्स कवर्ड है, इसमें सब कुछ आपको बता दिया गया है, दिखा दिया गया है। अब आइए हिंदी मीडियम में दूसरे बुकलेट को देखते हैं। हिंदी मीडियम में दूसरे बुकलेट की बात की जाए तो इसमें आप टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हो, ये औद्योगिक संबंध यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाला ये बुकलेट है, जिसके अंदर में औद्योगिक विवाद, औद्योगिक संबंध, और आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हो आराम से वीडियो को पॉज करके, पांच आपको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स दिख रहे हैं, और सभी का आपको आंसर राइटिंग फॉर्मेट में ये क्वेश्चंस है, और सभी का आपको उत्तर अंदर में मिलता है। तो आप वीडियो को आराम से पॉज करके, और किस तरीके से आपको अपने उत्तर को सजाना है, किस तरीके से आपको अपने उत्तर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स को हाईलाइट करना है, वो सब इसमें बखूबी तरीके से बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज के थ्रू चीज़ों को किस तरीके से स्क्रीन एलाबोरेट किया गया है, किस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर हायरार्की, प्रॉपर फ्लो चार्ट, प्रॉपर वेन डायग्राम बता के आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। नोट्स का मोटाई भी आप देख सकते हो, कितना नंबर ऑफ पेजेस इसमें एडेड है। उसके बाद बुकलेट नंबर थ्री में चलते हैं, बुकलेट नंबर थ्री की बात करें तो इसमें आपको सामाजिक सुरक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारा टॉपिक्स आपको कवर्ड है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके भी एक एक टॉपिक, एक एक सब टॉपिक को पढ़ सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, और क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में इस तरीके से आपको इमेज, ग्राफ, इस तरीके से आपको पूरा आंसर राइटिंग मिलता है। उसके बाद आइए बुकलेट नंबर फोर की बात की जाए तो इसमें आप देख सकते हो कि टेबल ऑफ कॉन्टेंट की अगर बात की जाए तो ये सारे टेबल ऑफ कॉन्टेंट आपको बुकलेट नंबर फोर में मिलते हैं। श्रम विधान के सिद्धांत, भारत में श्रम विधान का इतिहास, भारतीय संविधान के श्रम संबंधी संबंध, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बिहार में श्रम प्रशासन, बिहार झारखंड का श्रम प्रशासन जो कि लगभग इक्विवेलेंट है वो भी आपको इसमें बताया गया, और प्रॉपर आंसर राइटिंग फॉर्मेट में किस तरीके से नोट्स को हैंड राइटिंग फॉर्मेट में बताया गया, लिखा गया, वो आपको दिखा दिया गया। और इंग्लिश मीडियम के बाद इंग्लिश मीडियम में पंकज सर, इंग्लिश मीडियम में पारसनाथ सर का, और हिंदी मीडियम में पारसनाथ सर के नोट्स के बाद ये हम लोग चलते हैं हिंदी मीडियम में नोट्स में, जिसमें आपको चार बुकलेट हिंदी मीडियम में मिलते हैं पंकज तिवारी सर का। इसमें आप देख सकते हो इंप्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 से आपको शुरू होता है,
और जो हमने बताया जो हिंदी मीडियम औद्योगिक संबंध श्रम संघवाद एवं सामाजिक समस्या का जो बुकलेट हो या फिर भारतीय श्रम कानून विकास एवं प्रशासन का जो बुकलेट हो वो पूरा ये चार बुकलेट्स में कवर किया गया। वो दोनों सब्जेक्ट वो दोनों जो सिलेबस है पूरे LSW लेबर एंड सोशल वेलफेयर का उसको इस चार बुकलेट में कवर किया गया है। पंकज तिवारी सर के क्लास नोट्स में आप हिंदी मीडियम वाला नोट्स देख रहे हो जिसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से राइटिंग रीडेबिलिटी वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो। पूरा सिलेबस तो कवर्ड है ही जैसे हम लोगों ने पारसनाथ सर में देखा सिमिलरली उसी तरीके से पंकज तिवारी सर में भी पूरा सिलेबस कवर्ड है। पूरा आपका टॉपिक्स पूरा आपका सब टॉपिक्स कवर्ड है। राइटिंग रीडेबिलिटी आपको दिखा दिया जा रहा है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि नोट्स में रीडेबल है या नहीं किस तरीके से हैंड राइटिंग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो तुम चकाचक आपको हैंड राइटिंग मिलेगा। भाई इंग्लिश मीडियम वाला देखते हैं। इंग्लिश मीडियम में बात करें साथियों तो चार बुकलेट आपको मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश मीडियम का ये बुकलेट नंबर 4 है। किस तरीके से आपका ये ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है सोशल सिक्योरिटी का ये बुकलेट है। इसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन आंसर सब आपको मिलता है। रीडेबिलिटी और राइटिंग भी आप चेकआउट कर सकते हो बुकलेट नंबर 2 ILO Volume 2। इसमें हम लोग देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स आपको कवर्ड है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस फैक्ट्री एक्ट 1948 ट्रेड यूनियन एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट और राइटिंग आपको राइटिंग की अगर बात की जाए तो आप राइटिंग देख सकते हो कि किस तरीके से राइटिंग नोट्स के अंदर में आपको मिलता है। उसके बाद आइए बुकलेट नंबर 3 की अगर बात की जाए तो इसमें आप देख सकते हो लेबर लेजिस्लेशन टाइप्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ LL मेन फीचर्स ऑफ LL इन इंडिया एंड क्रिटिसिज्म ऑफ LL ऑफ इंडिया बाई NCL। ठीक है तो ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से पूरा नोट्स पूरा फॉर्मेटिंग आंसर राइटिंग फॉर्मेट में किस तरीके से आपका पूरा नोट्स है। बुकलेट नंबर 4 Volume 1 ये Volume 1 है। हम लोगों ने Volume 4 से स्टार्ट किया था। Volume 1 में अगर देखा जाए तो ये सारा टॉपिक्स आपको कवर्ड है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स मशीनरी ऑफ सेटलमेंट ऑब्स्टिकल्स इन द ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट एंड इट्स रेमेडी। तो ये सारा कुछ आपको इसके अंतर्गत मिलेगा। राइटिंग वगैरह आप देख सकते हो और जो आपका जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो आपका सिलेबस है जो पंकज तिवारी सर के टेक्स्ट बुक की अगर बात की जाए तो ये भी आपको मिलता है। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है और ये इसी दोनों बुक का ये नोट्स है। हिंदी मीडियम में आप लेते हो तो भारतीय श्रम कानून औद्योगिक संबंध श्रम संघवाद एवं सामाजिक समस्या है और वही इंग्लिश मीडियम में लेते हो तो लेबर एंड सोशल लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड ट्रेड यूनियनिज्म। इसके अगर बुक के टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में बात किया जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से ये सारे टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको इसमें एडेड मिलते हैं। उसके बाद अगर लेबर एंड सोशल लॉज की बात की जाए तो इसमें भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से सारे टॉपिक सारे सब टॉपिक्स आपको कवर्ड है। ये सारे टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको इसमें कवर्ड मिलेंगे। सिमिलरली उसी तरीके से अगर हिंदी मीडियम में देखा जाए सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी आपको अवेलेबल है। साथ ही उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी ऑर्डर कर सकते हो घर बैठे मंगवा सकते हो और ये टेक्स्ट बुक भी अवेलेबल है और क्लास नोट्स हमने आपको दिखाई दिया जिसमें आपको पारसनाथ सर और पंकज तिवारी सर दोनों का क्लास नोट्स दोनों मीडियम है। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी बुक कोई भी नोट्स कोई भी स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। किताब वाले ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हो और व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।